नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि जाधव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिली। महाराष्ट्र पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन करके कॉलर ने कहा कि मैं एकनाथ शिंदे को उड़ा दूंगा, और इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। महाराष्ट्र पुलिस को कंट्रोल नंबर 112 एक कॉल मिली थी। ये कॉल सोमवार 10 अप्रैल को देर शाम आई। फोन करने वाले ने पुलिस से कहा कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को उड़ा देगा। सीएम को धमकी की कॉल के बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई और कॉलर की लोकेशन ट्रेस की गई। इसके बाद पुणे पुलिस ने कॉलर को गिरफ्तार कर लिया है। कॉलर मुंबई के धारावी इलाके का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला है कि कॉलर ने जब फोन किया था उस समय वो शराब के नशे में। मुख्यमंत्री को धमकी देने वाले शख्स का नाम राजेश बताया जा रहा है। उसे पुणे के वारजे इलाके से हिरासत में लिया गया। राजेश के कॉल करने के बाद से उसकी तलाश महाराष्ट्र एटीएस और मुंबई क्राइम ब्रांच भी कर रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम रात में धारावी स्थित उसके घर पर भी गई थी, लेकिन वहां वो नहीं मिला। पुलिस को उसकी लोकेशन पुणे में मिली, जिसके बाद पुणे पुलिस और नागपुर एटीएस की टीम ने उसे वहां से हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई।